नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। आज शुक्रवार का दिन है, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद भी पटना में हैं। ऐसे में हाईकोर्ट मजार पहुंचे हैं, मजार शरीफ हाईकोर्ट के पास लालू प्रसाद पहुंचे हैं। उन्होंने दुआ की है और आपको पता है जब सालाना उसका मेला लगता है हाईकोर्ट मजार शरीफ पर, तो वहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं। काफ़ी चर्चित जगह है। पहले भी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद सालाना उर्स के मौके पर चादर लेकर चादर पोशी करने जाते थे। और ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें जो हैं वो आज की हैं, जब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद हजरत सैयद शहीद गुलाम सफदर पीर मुराद शाह की मज़ार पर, यानी कि हाईकोर्ट मज़ार पर पहुँचे हैं। और ये तस्वीरें जो हैं आज की हैं, शुक्रवार की हैं, शाम के समय की हैं, जब लालू प्रसाद हाईकोर्ट मज़ार पहुँचे हैं। और काफ़ी इसकी जो मान्यता है, पुरानी मान्यता है, लोग यहाँ पर आते हैं, दुआ मांगते हैं। देखिए, सभी धर्म जाति को लेकर चलना चाहिए और यही सामाजिक सौहार्द का एक पैगाम भी है। अल्लाह से लोग दुआ करते हैं। हाल ही में आपने देखा कैसे ईद के मौके पर, जब माह रमज़ान ख़त्म हुआ उसके बाद ईद के मौके पर नीतीश कुमार भी पटना के गांधी मैदान पहुँचे थे, तेजस्वी यादव भी कईयों के घर गए थे सेवैयाँ खाने के लिए। तो लालू प्रसाद को अपना वो पुराना दौर याद आया होगा, जब वो ईद का मौका हो या फिर सालाना उर्स का समय हो, तो उस के मेले में भी लालू प्रसाद यादव हाईकोर्ट मज़ार शरीफ जाया करते थे और वहाँ पर चादर पोशी किया करते थे। लालू प्रसाद यादव जब आज पहुँचे हैं, उनके समर्थक भी वहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने दुआ मांगी है, चादर पोशी की है। ये तस्वीरें निकल के आ रही हैं हाईकोर्ट मज़ार से। फिलहाल वह अस्वस्थ हैं। पिछले ही साल दिसंबर के महीने में उनका किडनी ट्रांसप्लांट कराया गया सिंगापुर में, जिसके बाद वो फरवरी के महीने में, इसी साल फरवरी महीने में वह भारत लौटे और पिछले महीने वह पटना आए हैं। तो आप समझ सकते हैं सबकी जो ख्वाहिशें हैं लालू प्रसाद को देखने की होती हैं, लेकिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को डॉक्टर्स की सलाह पर थोड़ा बच बचा कर रखा जाता है। हालांकि लोगों से वो मिलना काफ़ी चाहते हैं, लोगों से मिलते भी हैं शाम के समय में, लेकिन दूरी बनाकर, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हैं। लेकिन ऐसे पर देख रहे हैं लालू प्रसाद की जो ज़िद्द है, खाने पीने को लेकर उनकी ज़िद्द होती है अक्सर, लेकिन सभी धर्मों के प्रति उनकी आस्था भी रही है। वो मंदिर भी जाना चाहते हैं, पूजा भी करते हैं। कई बार जब वो स्वस्थ थे तो वो बाबा हरिहरनाथ के दरबार में जाते थे। ऐसा कौन सा मंदिर है बिहार जहां वो नहीं गए हैं? और जब सालाना उर्स का मौका हो तो हाईकोर्ट बाबा के मज़ार पर वो जाते थे, फुलवारी शरीफ भी वो गए हैं। तो आज शुक्रवार का दिन है, लालू प्रसाद पहुंच गए जब हाईकोर्ट मज़ार। कैसी तस्वीर निकल के आई हमने आपको दिखाया है। यहां नीतीश कुमार भी हर साल उर्स के मौके पर पहुंचते हैं, तेजस्वी यादव भी हर साल जब उनके पिता लालू प्रसाद अस्वस्थ रहे हों या उस समय जेल में रहे हों, उस दौरान भी उन्होंने परिवार की जिम्मेदारियों को उठाया है। हर साल उसके मौके पर वह वहाँ चादर पोशी करने पहुँचते हैं। और ये तमाम तस्वीरों से हम आपको पहले भी अवगत कराते रहे हैं, आज की तस्वीरें थोड़ी खास हैं क्योंकि इस अस्वस्थ शरीर को लेकर भी, स्वस्थ हैं लेकिन पूरी तरह स्वस्थ नहीं है, अस्वस्थ शरीर को लेकर भी वह हाईकोर्ट मज़ार शरीफ पहुँचे हैं, जहाँ की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। आप लाइव स्ट्रीम साथ बन रहे हैं। लालू प्रसाद राजद सुप्रीमो पटना में हैं और ना घूमें हो नहीं सकता है, अपने लोगों के पास वो चले ही जाएंगे। उनका एक अनोखा अंदाज है जो काफ़ी चर्चित रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।